हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये चांदनी का प्लांट है और धीरे धीरे करके इस पर भी जो है बर्ड्स बनना शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, ये मिनी चांदनी का प्लांट है और देखिए कितने अच्छे से ये बुशी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरा कटिंग के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ कटिंग लगाई थी अप्रैल के मंथ में, तो लास्ट वीक में ही लगाई थी वो। तो आज मैं उनको सबको दिखाने वाली हूँ कि कितनी गर्मी पड़ रही हो तो उसमें भी जो है हमारी कुछ कटिंग्स जो है ईजिली लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कटिंग जो मैंने लगाई हैं। तो कटिंग जो है रेनी सीजन में लगाई जाती हैं, जबकि जून जुलाई में लगाई जाती हैं, लेकिन कटिंग हम कभी भी लगा सकते हैं, ट्राई करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे देखिए, मैंने अब अप्रैल महीने में ये कटिंग लगाई थी तो उनमें रूट्स जो है अच्छे से बन गई हैं। तो हमें ट्राई करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करता रहना चाहिए कि कभी कोई कुछ ना कुछ तो हमें जो है सफलता मिलती ही है। तो चलिए चलते हैं, जो मैंने कटिंग्स लगाई थी पानी में ग्रो की हैं तो उनको मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उनमें रूट्स जो है बन गई हैं और वो अब लगने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने डिस्पोजल गिलास में पानी भर के इनमें कटिंग जो है मैंने रख दिया है और हफ्ते भर में ही जो है इनमें रूट्स बनना जो है शुरू हो गई। तो मैंने इसमें कुछ कोलियस की कटिंग लगाई है और कुछ ये अजवाइन के प्लांट हैं और ये मैक्सिकन पिटोनिया की कटिंग है और यहाँ पर मैंने पर्पल हार्ट और ये मैंने स्पाइडर प्लांट की भी लगाई है। तो स्पाइडर प्लांट की तो इजीली लग जाती है क्योंकि जो रनर्स निकलते हैं उनको हम पानी में रख सकते हैं, मिट्टी में भी रख सकते हैं, तो ये आसानी से इनमें रूट्स जो है बन जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें कितने अच्छे से रूट्स जो है बनी हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कटिंग पानी में लगाते हैं तो उसका पानी जो है हमें बदलते रहना चाहिए दूसरे से तीसरे दिन तो हमें इसका पानी बदलना ही चाहिए क्योंकि पानी हमारा जो है गंदा हो जाता है, फिर इसमें फंगस जो है लगने का डर होता है, हमारी कटिंग्स ख़राब होने का खतरा होता है, तो इसलिए हमें जो है पानी बदलते रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी सीन में जो है ये रूटिंग हुई है, एक एक करके आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैक्सिकन पिटूनिया है ये, तो ये पानी में और मिट्टी में इजीली ग्रो हो जाता है और जल्दी इसमें रूट्स बनना जो है शुरू हो जाती हैं। हफ्ते भर में ही इनमें रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये बिल्कुल हमारा प्लांट जो है बिल्कुल एकदम रेडी है ये कटिंग, और हम इसको मिट्टी में जो है लगा सकते हैं। और इसी तरह से दिखाऊँ तो ये देखिए कोलियस, तो हम कोलियस की कटिंग भी पानी में ईजिली लगा सकते हैं, अच्छे से इनमें रूट्स जो है बनना शुरू हो जाती हैं ये हफ्ता भर में ही। ये देखिए ना, वाइट ये इसमें रूट्स। तो मैंने ये जो है हफ्ता भर पहले कटिंग्स लगाई थी तो इनमें अच्छे से जो है रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पर, और फ्रेंड्स अब देखिए ये अजवाइन की कटिंग, ये मैंने पानी में ग्रो की थी, ये देखिए इन सबको मैंने जो है एक साथ ही रख दिया था, ये यहाँ पर ये देखिए। इसमें अजवाइन के प्लांट में तो काफ़ी जल्दी जो है रूटिंग हो जाती है पानी में, ये देखिए इजीली ग्रो हो भी हो जाता है ये मिट्टी के अंदर, और जब बरसात होती है तो इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि इसमें जो है रूट्स जो है निकलने लगती हैं, पानी पड़ता है जैसे इसके ऊपर तो रूट्स अपने आप ही निकलने लगती हैं इसकी स्टेम से। ये देखिए, अब आपको मैं पर्पल हार्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहे हैं आपको, ये इसमें भी देखिए ये रूट्स बनना शुरू हो गई। ये देखिए, ये वाइट और ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ही देखिए कितनी अच्छी रूट्स है इसके अंदर। देखिए बिल्कुल अब ये हमारे प्लांट एकदम से रेडी हो गए हैं, हम इन्हें अब मिट्टी में जो है लगा सकते हैं और ये अच्छे से चलेंगे हमारे प्लांट। देखिए तो फ्रेंड्स, इजीली इनकी कटिंग जो है लग जाती है, आप भी लगाइए इनकी कटिंग, पानी में ग्रो कीजिए और जब इनमें अच्छे से रूट्स बन के तैयार हो जाए तो आप इनको मिट्टी में जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके हम मुझे ज़रूर
बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।